कर सकते हैं। प्लीज टेल मी यू आर फ्रॉम विच स्टेट. सर मध्य प्रदेश। अच्छा गुड. सो कैन यू टेल अस विच ईयर डू यू कंप्लीटेड योर एमबीए? 2018 सर। उसका बाद में कहाँ काम करते थे? इतना सर तैयारी कर रहे थे। साल, से एक साल तैयारी कर रहे हैं. व्हाट हैपन? सर वेर यू पीएस प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी। पीएससी आल्सो? जी सर पीएससी कर रहे हैं। पीएससी आल्सो यू आर ट्राइंग, दैट्स व्हाई यू आर डिलेट. अच्छा ठीक है, कोई जी बात सर। नहीं, नो प्रॉब्लम. विल यू बी हैप्पी इन सर्विंग इन बैंक और यू विल आस्क फॉर पीएससी? सर बैंक ठीक है सर। बैंक कल चलेगा। हैप्पी सर। एंड बैंक में आपको खुशी रहेंगे? हाँ सर या खुश रहेंगे सर। सर आपको पिताजी क्या काम करते हैं? बीएसएनएल में टेलीफोन मैकेनिक सर। अच्छा गुड, टेलीफोन मैकेनिक, गुड गुड. अभी बीएसएनएल का बारे में क्या बात चल रहा है? वो अच्छा चलता है और बुरा चलता है? सर नेटवर्क सर्विस पहले से बेटर हो रही है पर लेकिन सर दिक्कत है अभी भी सर। पार्डन? पोर्ट करा रहे हैं लोग सर। नो, आर दे जी इम्प्रूविंग और नॉट इम्प्रूविंग? सर पहले से बेहतर हुआ है। बेटर हुआ, पहले से बेटर हुआ ना? जी सर। वेरी गुड, एक्सलेंट, दैट्स गुड. बिकॉज आई वॉज टोल्ड दैट दे आर गोइंग टू गेट 4G ऑल्सो, जी सर। एंड द चार्जेस ऑल्सो दे हैव रिड्यूस्ड कंसिडरेबली. सो दे एक्सपेक्ट मोर पीपल टू ज्वाइन देम. ऐसा में भी कुछ मूव हो रहा है? नहीं है, बिकॉज हो रहा है सर। यूट्यूब में ऐसा बोल रहा है, ला ज्यादा पीपल आर माइग्रेटिंग करके. ये सच है नहीं सर ये झूठ है? हाँ हो रहा है सर। जो हमारे घर के पास जो पापा का ऑफिस था पुराना वाला वहां पे हो रहा है। मैं देखा था। अच्छा, दे आर चेंजिंग, जी सर बहुत सारे लोग चेंज करा रहे हैं। वेरी गुड, एक्सलेंट, बढ़िया. नाउ व्हाट आर द 5 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस? जी सर। पहले सर करेक्टर कैपिटल कंडीशन कोलेटरल कैपेसिटी, कैपेसिटी या और गुड कैश। गुड सेवन सी में गुड, कैश फ्लो और क्रेडिट वर्थनेस। गुड, वेरी गुड. नाउ हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? सर फोर। गुड. नाउ व्हाई हैव यू आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन ट्राइंग फॉर जॉब इन मिडिल ईस्ट एंड ऑल? मिडिल ईस्ट सर। नहीं सर इंडिया में ही काम करना सर। अच्छा गुड, वेरी गुड. यू वांट टू वर्क इन इंडिया ओनली, दैट्स गुड. आई अप्रिशिएट यू. हैव यू अवेल्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स और योर फादर हैज रिसीव लोन्स फ्रॉम बैंक्स? नो सर मेरे को आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है, करेक्ट. नाउ पापा 2014 में एक्सपायर हो गए थे तो उससे पहले लिए होंगे तो मुझे पता नहीं। राइट, नाउ पीएनबी का बारे में क्या क्या लोन दे रहा है? व्हाट आर द लोन्स दे आर गिविंग? सर पीएनबी होम लोन कार लोन एजुकेशन लोन और भी तरह के एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एग्रीकल्चर एमएसएमई इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, एक्सपोर्ट्स, वेरी गुड. जी देन आपको बैंकिंग में क्या पॉइंट आपको बहुत पसंद है? विच एरिया ऑफ बैंकिंग यू लाइक मोर? इज इट द सैलरी दैट द बैंक गिव्स और इज फैसिलिटी इट द सर। फैसिलिटी? फैसिलिटी का जी मतलब? सर। सर जो कस्टमर को जो सर मैं जब कभी जाता हूँ तो मुझे हेल्प कर देते हैं। हेल्पिंग फैसिलिटी कह सकते हैं। और हर चीज ऑनलाइन हो गई है सर। डिजिटल फैसिलिटी गुड, और सर मैनिफेस्ट। वेरी गुड. नाउ कैन यू टेल मी द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ बुक कीपिंग? प्रिंसिपल बताना सर बुक कीपिंग के अकाउंटेंसी। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी. पढ़ा है, भूल गया? याद नहीं यार सॉरी सर।
अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री फोल्ड: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, अच्छा, नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट. अकाउंट सर, टाइप ऑफ अकाउंट सर। या एंड द जी सर, नॉर्म्स, द रूल्स आर: इन द केस ऑफ पर्सनल रूल्स। अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इन जी द सर, केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इन द जी सर, केस ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जानता है? नहीं जानता है? बता था। मैं टाइप ऑफ अकाउंट में इसको पढ़ा था, मैं गोल्डन रूल्स से याद नहीं आ रहा। याद नहीं. अच्छा, अभी मान लीजिए आपका कंपनी में एक कार खरीदते हैं. कार का दाम 11,200 रुपीज. उस दाम के लिए आप लोग एक चेक इश्यू कर रहे हैं, जी सर, तब क्या एंट्री होगा आपका बुक में? बैंक अकाउंट डेबिट टू कार। ये सर कार आ रही है ना, तो कार अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा ना सर। गुड, वेरी गुड. अच्छा बोला, गुड. नाउ व्हाट आर दी सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक्स? सर्विसेज में सर, इंश्योरेंस सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज कह सकते हैं सर। पहले आप ये बोलना है म्यूचुअल फंड्स। डिपॉजिट्स, अच्छा सर, हाँ एडवांसेस, जी सर, डिपॉजिट्स, लोन्स, देन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, लॉकर सर्विसेज एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, देन रेमिटेंसेस. जी सर, कैन यू नेम टू फेमस रेमिटेंसेस? मिडिल ईस्ट से जो आती हाँ, सर, ये रेमिटेंस रेमिटेंस सिस्टम्स विद इन इंडिया. एनई जो विदेशों एन से। NEFT, RTGS. जी सर, NEFT सुना है? नहीं? सर, पैसा ट्रांसफर के लिए सर यूज करते हैं इसको, पढ़े हैं सर। वेरी गुड, एक्सलेंट. नाउ IMPS में मैक्सिमम अमाउंट कितना रेमिट कर सकते हैं? IMPS में सर मिनिमम का नहीं सर, मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम 5 लाख. इमीडिएट पेमेंट सर्विस 5 लाख तक रेमिट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स डिफरेंट बैंक्स बैंक्स में मेक सम रिस्ट्रिक्शंस. जी दैट सर, इज देयर, दैट्स ओके, गुड. सो नाउ टेल मी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ATM सर्विसेस? सर मनी विड्रॉ कर सकते हैं सर, कहीं कहीं ATM में सर डिपॉजिट फैसिलिटी भी होती है सर। सर कार्ड से यूज करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ATM कार्ड से, और पॉइंट ऑफ सेल्स जहाँ होता है, मशीन होती है सर, उसमें कार्ड से सर परचेज कर सकते हैं, कुछ चीजें पेमेंट कर सकते हैं। और सर अदर्स ओके ओके. नाउ प्लीज टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट CGT MSE स्कीम्स? सर, क्रेडिट ग्रांटेड ट्रस्ट, माइक्रो एंटरप्राइजेस स्कीम से सर, इससे सर MSME के लिए सर गवर्नमेंट द्वारा SIDBI और MSME मिनिस्ट्री, MSME के लिए सर जो अगर MSME रिटर्न नहीं कर पाएगी सर, उसके लिए गारंटी हेलो, देती है। नॉट नॉट फॉर MSME, ओनली फॉर MSE. मीडियम कोड एसटी, नहीं है, मीडियम कोड नहीं है. अच्छा MSE, ठीक है सर। तो उसमें सर गारंटी रहती है कि अगर MSME नहीं चुका पाएगा तो फिर गवर्नमेंट इसको राइट ऑफ करेगी सर। सर उसमें सर 5 करोड़ तक की लिमिट है सर, जिसमें से 75% की गारंटी रहती है सर। गुड. नाउ टेल मी अबाउट सेबी. सेबी में क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सर, 1988 में स्टेब्लिश हुई थी, 1992 एक्ट से इसको संवैधानिक अधिकार मिला है सर इसको। ये सिक्योरिटी शेयर मार्केट्स पे वर्क करती है और म्यूचुअल फंड्स पे वर्क करती है सर, रेगुलेट करती है सर। गुड. हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी?
सर श्री माधवीपुरी बुच। हु इज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक, सॉरी सर, अजय बांगा। अजय बांगा जी सर। या व्हाट इज टुडेज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स? सॉरी सर, देखा यस्टरडे नहीं सर। यस्टरडे तो 81,000 समथिंग था, आज क्या है? सिनी के देखे नहीं सर। हाँ आज 81,466, 455, करेक्ट। एंड एनएससी मस्ट बी समवेयर सेम थिंग ओनली, एनएससी निफ्टी नेशनल नेशनल एंड निफ्टी दैट इज आल्सो मस्ट बी 24,000 और सो, और ये एनएससी स्टॉक रेट इज 24,000, करेक्ट, 24,557, करेक्ट, गुड। आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं। नो इंटरेस्ट, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस का बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ पीएसएल सर, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर, उसके बैंक बैंकों को जो लोन देना है उसका 40% बैंकों को पीएसएल टारगेट्स पूरा करने हैं उसमें सर, जिसमें से 8 तरह के बताए गए हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, बोलिए। एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी बोला, रिन्यूएबल एनर्जी, एमएसएमई एनर्जी बोला, अदर्स जी एमएसएमई सर। बोला, एमएसएमई बोला, एमएसएमई माइक्रो क्रेडिट माइक्रो क्रेडिट, स्मॉल SHG, गुड, वेरी गुड, जी सर, 40% बेस्ट टारगेट है टोटल। थैंक विशेस, यू सर, थैंक थैंक यू सो यू मच। सर। नेक्स्ट इंटरव्यू हम लोग देखेंगे, थैंक यू, बाय बाय। सर सुनिए या सर, एक क्वेश्चन सर, सर मैं टाइम का, मैं तो पहले क्या कवर करूँ सर, पार्डन, पहले मेरे पास टाइम कम है, मैंने पढ़ा नहीं था बैंक के बारे में ज्यादा, तो मैं पहले क्या बैंक कवर करूँ। बैंक के बारे में अब पूरा पढ़ लीजिए ना, पीएनबी बैंक के बारे में। बैंक पीएनबी वाज स्टार्टेड इन दिस ईयर सो एंड सो बाय लाला लजपत राय। हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली। नॉट हिस्ट्री, पूरा थोड़ा वो, उसका बाद में एमडी एंड सीईओ इज सो एंड सो। पंजाब नेशनल जी सर, बैंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन अवर कंट्री। पंजाब नेशनल बैंक हैज द फॉलोइंग डिपॉजिट स्कीम, दे हैव डीमैट अकाउंट ऑल्सो। पंजाब जी नेशनल सर, बैंक हैज गॉट फॉलोइंग लोन फैसिलिटीज। पंजाब नेशनल बैंक हैज ऑल्सो हैव द फॉलोइंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। जी सर, एंड पंजाब नेशनल बैंक हैज द फॉलोइंग सब्सिडियरीज। पंजाब नेशनल बैंक हैज रिसीव्ड फॉलोइंग अवार्ड्स। दे आर डूइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस एरियाज। और सर एक सवाल और था, या ये जैसे कि सबको मेरा रेडी कर, रेडी कर 2018 दीजिए। मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ था, और पूरा अभी रेडी, सर 24, क्या रेडी कर बोलें दीजिए। सर इसके बारे में, पार्डन, मतलब जो गैप है मेरा 2018 से 2024 का गैप है, गैप के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, छोड़ दो कुछ बस, नहीं पीएससी है नहीं नथिंग बताया ना आज सर। विल हैपन, थैंक यू। थैंक यू सर।